सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ट्रेन जर्नी। आज हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 04536 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर उधमपुर, जम्मू तवी, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना और चंडीगढ़ के रास्ते कालका को जाने वाली श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस में। और आज की हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है उधमपुर रेलवे स्टेशन से, जो कि हमारी ट्रेन का पहला स्टॉपेज होने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस ट्रेन को इसके ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी कि कटरा से इसको बोर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज मैं लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। आप सभी को पता है कि मैं कठुआ से कटरा कितनी दूर है, कम से कम 150 किलोमीटर है, तो मैं नहीं पहुँच पाया, उधमपुर तक ही पहुँच पाया मैं। पानी देना भैया जी, पानी या पानी देना, पानी कितने के? समोसा एक दस का। दो दे दो समोसा। तो भाई अभी हमारी ट्रेन आने में यहाँ पे अराउंड आधा घंटा है, तो हम खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि भाई इतनी जल्दी में आया ना घर से, मैं बता नहीं सकता आपको। एंड अभी यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे यात्रा को स्टार्ट, क्योंकि मैंने दोपहर वाला लंच बिल्कुल नहीं किया आज, एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। सो यहाँ से लिए भैया से हमने समोसे एंड ये बॉटल। ये 15 की है ना? 15 की है यार। ये देखो ना, ये क्या लिखा है देखो, प्यार से ले लो 5 रुपये, लेकिन ये 15 की है, ठीक है? मैं पूरी इंडिया में यात्रा करता हूँ। प्यार से लेते हो कौन से? हाँ है ना, पहले बताओ है ना 15 की भैया। ये आज का खाना, ये मैंने रोटी घर से लाई थी, मम्मा ने पैक करके दी, एंड ये मैंने सब्जी लाई है कुछ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हरी सब्जी है। एंड ये समोसे भाई कैसे बनाए हैं भाई ये समोसे, घर की रोटी आपको पता है घर की रोटी का मुकाबला नहीं होता है। थोड़ी खा लेते हैं भाई खाना। जम्मू से इनको पूजा मिलेगी है ना, वो निकल गई तो अभी इनको मिलेगी कोटा वाली, एक जाती है राजस्थान के रास्ते। 10 बजे मिलेगी, आगे उतर जाना अगले स्टेशन पे। सो दोस्तों अभी अपनी, ओ भाई चुप कर जा मेरे भाई। सो दोस्तों अभी अपनी ट्रेन आने वाली है स्टेशन पे, एंड आपने देख लिया ना क्या हुआ भाई घटना, मतलब बिना टिकट के स्टेशन के अंदर मत आए। मतलब यार सभी पुलिस वाले अच्छे नहीं होते हैं, वो तो अच्छे थे, उन्होंने उनकी सिचुएशन को समझा। मतलब यात्री यहाँ से बोल रहे हैं उधमपुर से कि कोटा के लिए जाना है, जबकि यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं है एंड उनके पास टिकट भी नहीं थी, तो पुलिस वाले भैया ने उनको सलाह दी कि यहाँ से जाओ जम्मू, जम्मू से आपको रात को 10 बजे ट्रेन मिल जाएगी। तो अब मतलब यात्री है जो वो मतलब सबसे आगे चले गए, लेकिन आपको पता है बिना टिकट के वो अंदर आए, उनको जुर्माना हो सकता था। कितना बड़ा जुर्माना हो सकता है पता है आपको, मैं बताता हूँ। जैसे कि ट्रेन गई अभी स्वराज यहाँ से, तो बांद्रा टर्मिनल से लेके वैष्णो देवी तक जितना भी स्वराज का फेयर था उतना उनको देना पड़ता, ये रेलवे का रूल है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि बिना टिकट के, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के प्लेटफॉर्म पे ना आए, ये तो दूर की बात है कि भाई आपके पास टिकट नहीं है। 6:37 हो रहे हैं और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है उधमपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि इसका पहला स्टॉपेज है। यहाँ पे 35 पे टाइम था, लेकिन 4 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन। देखिए कालका वैष्णो देवी एक्सप्रेस, वाओ, D2 के क्रैक्स लगे हुए हैं आगे अपने। अगर मैं आज की अपनी ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं, तो ये ट्रेन दो वीक में 2 दिन वेडनेसडे और सैटरडे को श्री माता वैष्णो देवी से 6:10 पे निकलती है शाम को, और 479 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन
सुबह 5 बजे आपको कालका पहुंचाती है। हॉर्न दे दिया अपनी ट्रेन ने, यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकी 4 मिनट का, जबकि स्टॉप था हमारी ट्रेन का। यहाँ पे डिपार्ट कर चुकी अपनी ट्रेन उधमपुर से, ज़्यादा हो चुका है या मतलब शाम हो चुकी है। एंड वो देखिए मून, सन तो नहीं लेकिन मून एटलीस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज की अपनी ट्रेन 479 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 घंटे और 50 मिनट लेती है। उत्कृष्ट कोच के साथ चलती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम स्पीड 110, एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। और सात जगह पे रुकती है ये, कटरा से लेके कालका तक, यानी कि 7 इसके स्टॉप्स होने वाले हैं। और उधमपुर से देखिए अपनी ट्रेन डिपार्ट करती हुई, एंड देखिए भाई, और भाई पहली बार हुआ ऐसा कि मतलब इतनी जल्दी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब कि रुकने का मौका नहीं दिया ट्रेन ने। एंड अभी तक हमने सीट भी नहीं फाइंड की अपनी कि कौन सी सीट है कौन सी नहीं है, लेकिन इतना पता कि S2 में हम सफ़र करेंगे आज। चलिए आपको डिपार्चर दिखा देते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं अपनी सीट को। मैं इस ट्रेन को बोर्ड कर सकता था जम्मू से, पठानकोट से भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई आपको नज़ारा मतलब दिखाते हैं, जो कि हमारा कटरा से लेके जम्मू तक का नज़ारा है, लेकिन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि भाई बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। यात्री जल्दबाजी में चढ़े हैं अपनी सीट को ढूंढने में, टाइम वेस्ट करें अपनी बर्थ कौन सी है, ये क्या 30 लोअर मिली है, ये वाली बर्थ ये आपकी है, नीचे वाली कितना आपका 30 30 S4 है ना, ये S4 S4 कहाँ का हो गया, कालका ऊपर हो जाओ, वो रिमारी वाली है ऊपर वाली, ये आपकी है। तो ये हम हमारे को पैसेंजर थे, क्या नाम है आपका, देवेंद्र। हाँ तो ये भैया भी कालका तक ही जाएंगे है ना, हम चंडीगढ़ जाएंगे। हाँ तो इन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी है, मेरी सीट दी है। नहीं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ जाएंगे। ये हमारी, हाँ जी, ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो भाई चलिए अब आपको व्यू इंजॉय करवाते हैं बाहर का, एंड शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन हम आपको व्यू इंजॉय करवाएंगे। भाई देखिए शाम का व्यू, जब एक काफ़ी तेज़ चल रही है अपनी ट्रेन पहाड़ों को देखते हुए। बाहर आपको देखिए यहाँ पे डस्टबिन मिल जाएगा, वॉश बेसन बहुत ही ज़्यादा पुराना, वाटर टैप रनिंग में देख सकते हो क्लीन है, ऊपर आपको लाइट मिल जाएगी। चलिए एंटर करते हैं अपने वॉशरूम में, तो चलिए यहाँ पे भी आपको वॉश बेसन मिल जाएगा, वाटर टैप, सोप होल्डर और ऊपर लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जॉस्टर, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है, यहाँ पे अपना पावर फ्लश बटन और एक बार बताऊं, मैं दिल से आपको बताता हूं, वॉशरूम बेशक पुराना है लेकिन भाई साफ सफाई के मामले में ठीक है। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के दूसरे स्टॉप पे, जो अपना जम्मू तवी, जी हाँ जम्मू तवी को सिटी ऑफ टेंपल भी बोलते हैं। सिटी ऑफ टेंपल क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, यहाँ का जो राजा था वो डोगरा था, इसको डोगरों का शहर भी बोलते हैं।
तो अब मैं डोगरी बोलने जा रहा हूँ जो कि यहाँ की लैंग्वेज है। थोड़ी सी डोगरी में आपको बताते हैं जम्मू के बारे में। बाकी आप टेंशन मत लो, जो मैं डोगरी में बोलूँगा उसके नीचे मैं सब टाइटल्स दे दूँगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले दोस्तों मैं तुम्हें सुनाई रहा कि जम्मू तवी है जरा ये दूआ स्टॉप आ हमारी साड़ी ट्रेन आ दूआ स्टॉप आ 7:40 पर साड़ी ट्रेन इतना पुजना हाँ, लेकिन 7:37 पर ही पुजी दी है इतना साड़ी ट्रेन। 10 मिनट इतना रुकनी है ट्रेन, 10 मिनट बाद साड़ी ट्रेन इतवा चलनी है। तो मजे का सुनाने जम्मू के बारे, जम्मू या हरिमंदर शहर क्या है क्योंकि इतना पीरे का फकीरे का स्थान। उधर जेडे फेमस मंदिर ने वो केड़े ने, अपना जो रघुनाथ मंदिर हो गया वो मन्ने तन्ने का मंदिर है जम्मू का, फिर अपना रणवीरेश्वर मंदिर हो गया, फिर अपना वैष्णो देवी मंदिर हो गया, अमरनाथ मंदिर हो गया। चलो हम दसने तुम जम्मू की रोटी केड़ी है फेमस। सारे को पहले इतना कोई फंक्शन होता जम्मू च, हाय हाय हाय, मां की दाल जिन्हें कि अपना अंबल होई गया, माणी जिसी आखने, खट्टा मीट भी बड़ा फेमस है जम्मू का, फिर और भी इधर अपना कुल्थे की दाल होई गई, कश्मीरी दम आलू होई गए बहुत ज़्यादा फेमस है, पिछले छोले भठोरे बनाते भी जम्मू के अजकल फेमस होने लगी पे ने, लेकिन यह पंजाबी खाना, लेकिन जम्मू के भाई माणी खाने मज़ा आई जाता यार। तो दोस्तों हाँ हाँ यही आएगी उधमपुर से कालका तक की, ठीक है, मतलब कटरा कालका स्पेशल की वीडियो है, ठीक है। सो दोस्तों अपने फैमिली के मेंबर मिले हैं यहाँ पे एंड भैया बोल रहे हैं कि हर जर्नी देखते हैं, लास्ट ब्लॉग कौन सा देखा? लास्ट ब्लॉग मैंने आपका कठुआ से देखा था। हाँ जी, तो कैसी लगती है आपको वीडियो? बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई, लाइक जरूर करो भाई को, सब्सक्राइब भी। हाँ तो आप कहाँ से हो वैसे? मैं तो मुरादनगर से हूँ, गाजियाबाद के पास से, जम्मू से मुरादनगर जा रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, ऐसे यार प्यार देते रहो प्यार की वजह से। मैं भाई उधर ब्लॉगिंग कर रहा है भैया ने दूर से पहचान लिया है ना। हाँ मैं देख के भाई को पहचान के। हाँ चलो कुछ खाने खाते हैं? नहीं नहीं बस खाओ खाओ, मैं तो पेट भरा हुआ था। हां ओके आए हम भाई, ऐसे ही सपोर्ट कर। कहाँ जा रहे हो आप? हमने तो चंडीगढ़। हाँ ठीक है, तो अभी हम सीट कर रहे हैं एक्सचेंज, ये भैया थे इनकी फैमिली थी यहाँ पे, ये भैया बोल रहे हैं दूसरी फोन पे जा। और आप यार हेल्प कर दिया करो, जैसे कि उन्होंने बोला कि सीट एक्सचेंज कर लो, ठीक है, तो अभी हम सीट को एक्सचेंज करेंगे क्योंकि यार उनके साथ पूरी फैमिली थी। तो मतलब कोई आपको यात्री ऐसा मिलता है कि जिसकी फैमिली हो साथ में, तो सीट एक्सचेंज कर लेनी चाहिए बाय द वे। चलिए ये अपनी सीट आज की 41 लोअर कौन सी आज मेरे साथ यही हो रहा है, पहले मेरी उधर थी एंड वहाँ पे फैमिली थी, उन्होंने इधर भेज दी। कौन सी? ये वाली, ये सुबह आज किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, जहाँ भी जा रहा हूँ मतलब दो बार सीट एक्सचेंज कर ली भाई। सर मेरी सीट, सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी सीट थी 69, ठीक है, वहाँ पे फैमिली बैठी थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। आपस में कर लो भैया चेंज मुझे को। हाँ 69 टिक कर दो मेरी, S4 में, सॉरी। तो हम बात कर रहे थे जम्मू की, जम्मू का स्टेशन कोड है JAT और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स है सिर्फ और 7 यहाँ पे ट्रैक्स हैं। ना जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, इसको खोला गया था 1975 में। और क्या आपको पता है जो अपना जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू तवी में पड़ता है और जोन आ गया अपना नॉर्थन डिवीजन आ गया आपकी, भाई ट्रेन ने हॉन्ग दे दिया, डिवीजन आ गया अपनी फिरोजपुर। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ से डिपार्चर अपनी ट्रेन का। आपकी कौन सी है? 44 और 45। दोस्तों वेलकम यू इन पंजाब, अभी हम ऑफिशियली जम्मू कश्मीर से पंजाब में आ चुके हैं और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर करा है 176 किलोमीटर का और हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के तीसरे स्टॉप पे जो अपना पठानकोट कैंट, स्टेशन कोड PTKC और यहाँ पे हमारी ट्रेन ने हमें ऑन द टाइम पहुँचाया है, यानी कि 9:38 पे पहुँचाया, लेकिन 9:35 पे टाइम था, लेकिन मैं 3 मिनट लेट वीडियो। और पठानकोट जंक्शन पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 5 मिनट का हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है।
और दोस्तों क्या आपको पता है जो पठानकोट है अपना, आप सभी को पता है कि देश भर में अटैक्स किए गए थे मिलिटेंट्स द्वारा। तो पठानकोट पे भी एक अटैक हुआ था, जो मैं आपको बता दूं 2 जनवरी 2016 को हुआ था, जहाँ पे जो एयर स्टेशन है उस पर किया गया था, जो कि वेस्टर्न कमांड थी। तो ये होंग हो चुका है हमारी ट्रेन का एंड टाइम भी हो चुका है डिपार्चर। हट जाओ भाई, हट जाओ। चलिए यहाँ पे चादर वगैरह बिछा लेते हैं भाई, सोने का टाइम आ चुका है हमारा। अभी हम जा रहे हैं भाई सोने के लिए, सीधा मिलेंगे आपको सुबह कालका में, उठेंगे 5 बजे के करीब। तो गुड नाइट। लो जी भाई, गुड मॉर्निंग एंड टाइम हो रहा है भाई 5:02। अपने ऑन द टाइम हमें हमारी ट्रेन ने हमें यहाँ पे पहुँचा दिया है एंड ये लगी है हमारी कटरा कालका एक्सप्रेस। तो यात्री बहुत ही कम, हार्डली 4 या 5 पैसेंजर निकले यहाँ से कालका के लिए, बाकी सारे चंडीगढ़ में उतर चुके थे। तो देखिए हमारी ट्रेन यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि एंड हो चुकी है। अब यहाँ से जो आगे लाइन जाएगी वो टॉय ट्रेन वाली लाइन है। तो ये थी हमारी आज की कटरा कालका एक्सप्रेस की जर्नी। ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।